नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, कमाने को तो मैंने कहा था इस बच्चे के बारे में, कमाने को तो ये धरती पड़ी, खुला आसमां पड़ा। आप कितने भी बड़े बाज बन सकते हो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए। तो आज जहां पे मैं खड़ा हूँ, ये ना तो कोई हरियाणा ना कोई पंजाब, लेकिन ये है कि इस बच्चे ने अपने पाँव, अपने बिजनेस के पाँव आज राजस्थान की तरफ लेके गया हुआ। और ये लगातार फूड कैटरर्स, आज भिवानी की मैनेजमेंट, आज कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर अपना दमखम भी और अपने स्वाद का जायका आज पिलानी जैसे शहर के अंदर बिखेर रहा। और बस पार्टी बात मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए है तो प्रमोशन, लेकिन इस तरह की प्रमोशन जब बंदा करता ना, तो अपने आप को भी एक गौरवान्वित महसूस कराता है कि हाँ, मैं उस बच्चे की प्रमोशन कर रहा हूं कि इस बच्चे की मेहनत की तपस्या की बात करूँ तो क्या MK, क्या कोई रिसोर्ट और भिवाने का ऐसा कोई रिसोर्ट नहीं जो ई एप प्रोग्राम ना करते हो। और आज तो इन्होंने एक लठ गाड़ दिया कि ना भिवानी, ना रोहतक, ना लवद, सीधे राजस्थान पार पूछते हुए। तो ये होता है बिजनेस मैनेजमेंट, और ये होती है बिजनेस करने की तरीका। तो लगातार जो नाम है वो आज वास्तव तो में सुनहरी अक्षरों में देखा जा सकता है, चाहे चांद पर देख लो, चाहे देखो धरातल पे। नमस्ते, कैसे हैं? देख ले, इस वीक कोट पेंट वाला है, कैसे हैं? तो आज की थीम के बारे में बताएं, दो मिनट यहाँ बात करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। तो आज की थीम क्या रही, किस प्रकार की पीयूष, और क्या लक्ष्य है? मैं लक्ष्य तो क्या बोल दूँ आपसे, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। हाँ जी, आज का ये पिलानी में प्रोग्राम करने हम आए हैं। 3 दिन से हमारी 300 आदमी की टीम यहाँ काम में लगी है, 3 दिन कंटिन्यू काम चल रहा है और बहुत बड़े लेवल पे काम है। जितना छोटा उतना खोटा है। आज मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा इसकी मैनेजमेंट और इसे काम करने का तरीका, क्योंकि बंदा हाइट से कम तजुर्बे से ज्यादा बड़ा बनता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो व्यापार हो। गलत नहीं, तो वो बहने का थोड़ा लठ गाड़ रहा है पिलानी के अंदर, तो कितना बड़ा महसूस कर रहा है। मतलब ना भूल जाऊंगा यार, पीयूष सिंगल साहब, बस कितना बड़ी खुशी मिलती है कि एक भिवानी का बच्चा एक छोटे से दुकानदार से निकल के आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर डंका बजा रहा कि हाँ, यही है लगातार है, जिन्हें देना है लगातार लेना, लगातार की ही कृपा है। तो आज अपने शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये कटिंग अपनी है। हाँ जी, अच्छा, तो आज की आपकी थीम मेरे साथ वो तांबो पिलपिले पत्थर के बर्तनों में रही है। हाँ जी बिल्कुल, ये दिखा बच्चे। तो यहाँ पे क्या है? ये पान काउंटर है जी। ये पान काउंटर है जी। मैं पूछ दूंगा पान क्या डाल के, फिर उन लोगों को पान तो नावड़े को नहीं। तो आप पान बना भाई, पान होगा शुरू? हाँ जी, पान यहीं से शुरू। अच्छा, तो क्या प्रकार के पान आज के? ये 10 से 12 तरह का पान है जी। बस सारे पान पान के? हाँ जी, हाँ जी, सारा पूरा सेट पान। अच्छा, ये पूरे पान का, पूरा पान का सेट लगा हुआ है। फ्लेवर डुक का 2 3 4 5 6 7 8 8 काउंटर पान के हैं। पान के हैं। वाह भी बात रे, इस तरह काम तो अजय ओका बार। हाँ जी, ओका कल हो गए हो? हाँ जी बिल्कुल, ओका तो वैसे अलाउड नहीं होती है। कृपा है जी। अच्छा, ये सारे काउंटर फ्रूट के हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोक्तल के ओरिजिनल फ्रूट, सारा ओरिजिनल फ्रूट। ये फिर यहाँ पे सूप काउंटर, अच्छा सूप काउंटर बना दिया। हाँ जी, और फिर यहाँ पे ड्राई स्नैक्स काउंटर जी। ये तो थीम है, वह बड़ी पहले लगा है, हर बार ये है तो जब भी गार्डन लट गार्डन है। 20 से 22 तरह का स्नैक्स है जी। अच्छा, हाँ जी, इसमें आज स्पेशल क्या? अभी अरे वहाँ देखते हैं, गोभी का भी दिखाते हैं। अच्छा, गोभी भी बना, बाहर के लग गए हैं। पास्ता काउंटर। अच्छा पास्ता, नमस्ते, क्या नाम अपना? मनवीर। मनवीर आ गया थोड़ा, मनवीर 2 कदम आ गया लगातार फूड कैटर से। आप कहाँ से? आपकी टीम कहाँ से? हिसार से। हिसार से? हिसार की टीम बुलाई हुई है भैया। अद की बात है, अब यो भिवाने का ये हिसार के दिल्ली के वेटर है, पता नहीं कहाँ कहाँ के, इसने पूरी भारत इकट्ठा कर दिया एक जगह के अंदर है। बिल्कुल जी। अरे ये पाव भाजी, पास्ता काउंटर है। अच्छा, साउथ इंडियन। अच्छा, साउथ इंडियन बैठे। आप कहाँ से भाई? अच्छा, आप भी हिसार से हैं। अच्छा, कभी हिसार, कभी गाजियाबाद, कभी कहीं है? यो सांबर बड़ा। सांबर बड़ा, इसका भी बड़ा महत्व है, जो खाए बस तो खड़ा होता। अच्छा, अब की मतलब थीम है वो पीतल के बर्तन। अच्छा, तो गोड़ पे क्या डाल के हैं? 4 तरह के जी। नमस्ते, क्या नाम है? आप कहाँ से हैं?
अच्छा पटेला आए हो सीधे लठवाड़े पटेला पंजाब का बाबा तू करे के पानी कितने प्रकार का है पानी तीन फ्लेवर का क्या क्या पानी है धनिया पुदीने हींग का और जीरे का पानी चश्को बना दिखाओ जो कम था नाम करो इसको हो क्योंकि पीयूष का नाम अच्छा इसको तो कब भी अलग अलग आ गया है वाह भाई वाह पीयूष तो नक्शा बदल दिया सोच लगा तो ये पानी क्या का है पुदीने का धनिया पुदीना हिंग था ना हिंग वाला बड़ा मजा आया पानी ये जीरा वाला अच्छा नहीं जिंदगी में गोड़ खाने भूल जाओगे अगर पुदीना का धनिया पानी पिया हिंग का पानी पिया और आपका किसी चीज का पानी पिया लेकिन ये है कि आज चीज नहीं आ रही जो आपके ये और पैदा दोबारा तो मजा आ गया पानी में दोबारा हाँ 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 आदमी कितना खा लो भी हमें फिर उड़ा के पानी पी लो दस मिनट वापस रख दिया आ जाओ जी अच्छा फिर काउंटर आ गया भैया आपा क्या क्या है आपा कहाँ से है आप कहाँ से है पटियाला से कोई शार्ट है कोई पटियाला था लठ गाड़ दिया पीयूष आपा बहनी था हाँ जी भिवानी मगर तभी पंजाब का होड़ अच्छा ये क्या की ये डेकोरेशन ये सजावटी में गोलगप्पे का पानी वगैरह सर्विस करने के लिए अच्छा 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 प्रेजेंटेशन अच्छा आपा भी आपा के हैं अच्छा आपा हरिद्वार का रहे हैं देख ले ये हरिद्वार इकट्ठे कर दिए ये बेटर टीम आप गए नमस्कार क्या क्या नाम अपना अच्छा खड़े हैं शर्मा ओके जी नमस्ते क्या नाम है अनूप सर अनूप आप कहाँ से आए हैं दिल्ली से आप दिल्ली से हाँ वो दिल्ली की टीम आई बस हाँ आई कार्ड पूरा पूरा तो आज कितने बंदों की टीम लगी है आज करीब 300 बंदों की टीम लग रही है जी अच्छा हाँ जी अच्छा फिर यहाँ पे आ गया और क्या गया ये मटर कुलचा मटर कुलचा हाँ जी मटर कुलचा फिर वो डेकोरेशन आ गई यानी क्या है पीयूष तेरे काम में काम नहीं आ रहा जास है सूत भर की भी अपने दिल तक काम करने का काम करता तीन दिन से यही हुआ बिल्कुल तीन दिन से यही है जी कंटिन्यू घर जाने की घर जाने का काम के लिए तो घर जाने का मतलब ही क्या बनता है बच्चे वेट करते होंगे बच्चे बिल्कुल वेट करते हैं जी बिल्कुल वेट करते हैं ये वृंदावन से दूध ब्रजवासी आ गए ब्रजवासी आ गए आप भगत जी नमस्कार राधे राधे कैसे हैं है आपसे तो हम पहले मिले हैं याद है आ जाए प्लीज भजन बाद में लगाना कॉपी लाइट आ जाएगा राधे राधे जी ये बताओ दूध क्या आगे आपको मानसु आगे ला दूध में क्या मिला दिया दूध में हमें ड्राई फ्रूट है बादाम अच्छा, पिस्ता केशर इलायची पाउडर जी यो एलएफसी का मतलब क्या लगातार फूड कैटर वाह जी वाह तो आज की स्पेशल क्या रहेगा इसमें स्पेशल हमारे मथुरा वृंदावन से आए हम झांकी रहेगी राधा कृष्ण की और दूध के स्टाइल से अपने वृंदावन में घुमा घुमा पिलाते जी हां वही स्टाइल है घुमा घुमा वृंदावन में आप तो घुमा घुमा पिलाओ है हां जी बिल्कुल अच्छा जी अब ये आ गया सलाद बार सलाद बार सलाद की ये खाने का जी आज ये खाने का सेटअप है अच्छा यानी सलाद के चार पांच काउंटर लगा दिए चार पांच अलग लग गए ये आ गई मेन आज भाई अब इसकी देखो क्वालिटी पकड़ी माइक अब मैं ले ली थाली अब मेरा बुलाव आ गया ब्याह में पित्तल के बर्तन में ये पित्तल के चम्मच आ हा 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 प्लेट में मुझे कर खा के प्लेट गलने ले चलो तो नहीं करो के लिए हां जी नहीं करो नहीं करो के लिए अच्छा एक उपयोग में हर बार पूछता हूँ उससे गरीब आदमी चाहो है कि मैं मेरी बेटी का मैं इतना सुतला काम करूँ कि मैं पता नहीं क्या कर दूँ हर हर को माँ बाप चाहता है तो गरीब आदमी को ब्याह शादी में भी लगाने की हिम्मत रखते हैं ना बिल्कुल नहीं हिम्मत रखते हैं जी हाँ ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर आगे ब्याह में नहीं 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 सबके हिम्मत रखते हैं जी सबके बिल्कुल हिम्मत रखते हैं जी यो शर्ट है कैसे क्या कैसे बताइए इसी बारे पित्तल की चम्मच है पित्तल की चम्मच है पित्तल की कटोरिया है ये तो महंगी बताइए हाँ जी महंगी तो लट गाड़ दिया प्लीज अपने देसी लुक पे आ गए हैं जी देसी और शुद्ध खाना शुद्ध खाना शुद्ध खाना तो वे ये सब्जी है 18 तरह की सब्जी है 18 डाल की हाँ जी अच्छा ये मिठाई पे अच्छा पहले मिठाई आ जाओ भाई ले भैया तो मैं आप तो नमस्ते कहाँ से आए हैं दिल्ली से तो कितने प्रकार की मिठाई है 22-23 प्रकार की मिठाई मिठाई है खानिया खाओगा कि खानिया देख देख के पेट भर देगा कहीं नाम ही बदला हुआ अच्छा ये आगे पीयूष है गेवर ये काजू कतली या अंजीर केक
अंजीर केक जी। यो मलाई चाप यो चमचम चमचम और यो गुलाब का फूल काजू रोल। अच्छा ये काजू रोल आ गया रोल। अच्छा ये का है? ये पिस्ता बर्फी। ये पिस्ता भैया मेवा लड्डू। मेवा लड्डू रियो पिस्ता रोल। अगर बंदा एक एक पीस खा हुआ है तो 25 पीस खाए कौन सा। और शुगर के मरीज ध्यान रखा करो प्लीज। इस तरह के मरीजों के लिए हम स्पेशल ध्यान रखते हैं जी। एकदम लाइट मीठा होता है। अच्छा ये भी चीज है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कितना खा ले कितना ही खाए। अच्छा माल की कोई वो नहीं है कि मीठा डाल दिया माल खाई ना सके। यानी लगता है दिल बड़ा है। यानी हर काम में क्वालिटी चाहिए। कोई माल खाएगा तो तभी क्वालिटी बता पाएगा जी। समझौता नहीं है। तो 25 प्रकार की मिठाई पान पेठा। ये मीठा पान है पान पेठा जी। अच्छा पान पेठा हाँ जी। जो आगरा वागरा मिला वो पेठा हाँ जी। खोया बर्फी। खोया बर्फी ये छीना मुर्गी। छीना बर्फी खता हाँ जी बिल्कुल चाको। ये समझ वाले रसगुल्ला रसभरी रसगुल्ला। अच्छा केसर राजभोग। बाबा अगर एक आदमी ने घूम जा चालू करता है रसमलाई तो सूंघ सूंघ के पेट भर जा। रसमलाई। अच्छा यो बादाम हलवा। अखरोट हलवा। अच्छा यो कितना दिया इसमें देसी कितना दिन रहता दिख रहा है। ये रहा दीपाल सो वास्तव में खुशबू देसी की भाई। तू बचाव के है तू लगा साला होता देख दो। बचाने का टारगेट नहीं है जी। माल खिलाने का टारगेट रहता है। माल खिलाना खिलाना है जी। माल खिलाना ये है कि काम के अंदर लगदा तर के नाम के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी ना जी। ना बिल्कुल नहीं है। बाबा के नाम में अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो फिर तो फायदा भी नहीं है ना काम करने का। पांच की बजाय हमें दो बज जाए लेकिन बच्चे ईमानदार ना बच्चे चाहिए ना बच्चे, बच्चे। लेकिन काम से समझौता नहीं है। बाबा का नाम नहीं डुबोना है। ये तो आपकी क्वालिटी है। तभी मालिक की दया दिन दुगुनी रात दुगुनी तरक्की कर रहे। ये तो है इतनी पित्तल की क्रोकरी कितने ये कंच की है। अरे ये तो भाई चौंसे बच्चे बच्चे और टूट जाते तो नुकसान ये भी होता होगा। होता है जी लेकिन संतुष्टि है। संतुष्टि है। यानी हमने शादी वाले के घर में जिसके शादी का फंक्शन है वो रोज रोज फंक्शन नहीं होता। क्रोकरी टूट जाएगी नहीं आ जाएगी कोई इशू नहीं होता उस चीज के लिए। हमारा पांच प्लेट का नुकसान हो जाए हमारा कोई दुख नहीं है। लेकिन अगले के दाम संतुष्ट हो गए जाए। हां जी हां जी संतुष्ट होना यार। एक आदमी अगर नु घूम के आ जाए तो 25 प्रकार की वैरायटी खाई कौन जाती है। खाई नहीं जाती। खाई कौन जा बिल्कुल। यानी यह बहुत बड़ी बात है। अब आ जाओ सब्जी मेनू पे क्योंकि इसका मेनू सब्जी बड़ा तकड़ा रहा है हर बार रहा है। कुछ बोलिया भाई साहब इतनी सब्जी है अपने नाम भी कौन सुन रखे होंगे और वास्ते तो नाम भी कौन सुन रखे। ये क्या कहते हो आका नूडल्स। आका नूडल्स हाँ जी। जिन जिन वाली नूडल्स है हाँ जी। ये बिरयानी ये फ्राइड राइस। अच्छा फ्राइड राइस प्लस मंचूरियन जी। अच्छा प्लस में मंचूरियन हाँ जी। मंचूरियन भाई थाली सब्जी खुशबू बड़ी बैंक ला रही है। प्योर देसी घी का खाना होता है। पूरा देसी मक्का मेथी मलाई। मक्का मेथी मक्का जो बेचे डबल का वो मक्का जा। नहीं जी नहीं मक्का स्वीट कॉर्न वाले मक्का। स्वीट कॉर्न वाली मक्का हाँ जी। अच्छा मलाई है हाँ जी मक्का मेथी। अच्छा और यहाँ मटर मशरूम। मटर मशरूम आगे लगे मिला के लिया पीछे ये क्वालिटी दाल मखनी ये अमृतसरी छोला। अमृतसरी छोले और ये सुखी वाली सब्जी नवरत्न कोरमा। नवरत्न कोरमा। अच्छा सब्जी कितनी हुई है कितनी हुई है या मिक्स में जाएगी भाई। नहीं जी नवरत्न कोरमा नौ तरह की सब्जी। कोरमा नौ तरह की सब्जियां। अच्छा शान काजू ड्राई फ्रूट मिला के सारा चीजें। अच्छा जब इसमें खुशबू आओ काजू वाला हमारी बॉम्बे जालफ्रेजी जी। बॉम्बे जालफ्रेजी यार मैंने नाम पहली बार सुना यार। तुम्हारा तो पनीर लबाबदार। पनीर लबाबदार हाँ जी। या पालक पनीर लखनवी। लखनवी हाँ जी। या सरसों का साग। सरसों का साग है या ये आलू का साग। सब्जी इतनी अजीब पीयूष भी नाम भूल गया तो भाई याद की आलू का साग। आलू का साग है। अच्छा पीयूष बैंगन भरता। भरता भरता मेरा बड़ा फेवरेट भाई। आलू मेथी। आलू मेथी मटर पुलाव। मटर पनीर पुलाव। अच्छा हरिद्वारी बिरयानी। अच्छा हरिद्वारी बिरयानी वो रायता। वो भी रायता दो दो डाल के है। नमस्ते क्या नाम बच्चे क्या नाम है। कहाँ से आप। दिल्ली से। दिल्ली से। ये दिल्ली के हैं। दिल्ली के हैं। अब आगे भैया आगे आइसक्रीम पार्लर। अच्छा आप तैयारी करा रहे हैं करते रहो तैयारी। अच्छा यो दिखा भाई यो तो दिखा सोशल मीडिया पे। नमस्ते होगी तैयार आप कहाँ से हैं। दिल्ली से। अब दिल्ली से हाँ। अच्छा इसके अंदर इसके अंदर इसमें सर संतरे मिले हैं। संतरा अनार है। तो अनार केला आराम आराम केला है सर इसमें। अच्छा केला भी इसमें हाँ जी। अच्छा संतरा पूरे चाक के दिखा इसको दिखाओ जा पकड़ भाई पीयूष क्या मैं हाथ में कर दी हूँ इतना ऊपर आ अपनी आवाज़ गुना होगी थोड़ी थोड़ी कम जा कम जा फैल जा तुम्हारी वीडियो लंबी हो जाएगी जा जा सारे डाल के फ्रूट बना दिया हाँ जी मिक्स फ्रूट का होता मिक्स फ्रूट बना दिया
मिक्स बनवा दिया, कम 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 बच्चे कम देना, चम्मच दे दे। हाँ 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 बच्चे बस वह संतरा का मजा भी आओ है, इसमें अनार का मजा भी आओ है, इसमें केले का मजा भी आओ है, इसमें हर चीज का मजा आओ है, मिक्स फ्रूट है ना जी। हाँ जी, और ओरिजिनल फ्रूट, कोई एसेंस का काम नहीं। अच्छा पीयूष आगे दिया ले माइक, तो तू बोल ले माइक। ये पीयूष क्या कमला है? ये वैरायटी कुल्फी थी। अच्छा कुल्फी? हाँ जी, पांच छह तरह की कुल्फी होती है जी। बनाओ एक प्लेट बना के दिखाओ। एक दो तीन चार पांच। हाँ जी। अच्छा ये पांचों काउंटर कुल्फी कुल्फी आ गए? कुल्फी कुल्फी के तो जगह दे दो, बड़ी जितनी हो उसके इतनी बड़ी जगह तो लट गाड़ देगा, लट गाड़ देगा, लट गाड़ देगा। अच्छा ये कुल्फी का तिल्ला कुल्फी, ये कितना दी, कितना बड़ा आलू? ये आलू शकरकंदी चाट। अच्छा आलू भैया, वाह भाई वाह, लट गाड़ दिया आलू पार तो ले रहे कर दो उठा के। अच्छा ये अमेरिकन भुट्टा, अमेरिकन भुट्टा। अच्छा इसकी कोई खास बात भाई, इसकी चाट बनेगी वो है? हाँ जी भुट्टा ही है ये, भुट्टा। हाँ जी भुट्टा, ये बच्चों के लिए पॉपकॉर्न होगा। हाँ जी बच्चों के लिए। वाह हम तो रहे आदमी की सीताफल है यो, सीताफल वाह समझ। अच्छा ये फ्रूट आइसक्रीम है? हाँ जी फ्रूट, ओरिजिनल सीताफल। ओ ये खा के देखो, ओरिजिनल पान। अच्छा भैया क्या क्या की? आम, आम क्या हुआ? पान, ये पान की आपकी टीम का हिस्सा है या फिर इनको आप छाट छाट के इकट्ठा करते हैं? छाट छाट के इकट्ठा करा जाता है, इनको तब हिस्सा बनती है। टीम टीम कलेक्ट करिए, अब कितना टाइम हो गया अभी मानिए, दो साल से हो गए, ज्यादा हो गए काम करते करते, अब उसमें से करीम करीम छाट लो जी। जब माल बनता है, जब माल बनता है जी, तब दीवाने से पिलाने का सबरता होता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी बाबा विराजमान है, बाबा फ्रूट 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 लग गया को नहीं है, दो मिनट में लग गया है। यहाँ पे सुना है कि विदेश का पूरा फ्रूट है, विदेशी फ्रूट है जी, विदेश का सोलह तरह का विदेशी फ्रूट है बाबा, सोलह तरह का विदेश का फ्रूट है। अच्छा ये टीम भैया आप कहाँ से है? नमस्ते, आप अपने बारे में बताए। दिल्ली से सर। अच्छा दिल्ली से है। अच्छा आपकी ड्रेस कोड तो एक ही है, तो आपका क्या काम है आज का दिन का और उनका क्या काम है आपका? अपना मैनेजमेंट का काम है सर, यहाँ पे मैनेजिंग देखते हैं जो इसके आज वो टोकी होगा वो सर मैनेजमेंट का हिसाब होगा जी सर। एक्चुअली इस वॉकी टोकी के हिसाब से जैसे कि भागना नहीं पड़ता, एक कॉन्टेक्ट हो जाता है टीम। अच्छा मैनेजमेंट के कितने हिस्सा है? अपने चार हिस्से अपने मैनेजमेंट के। आप टीम में हिस्सा मैनेजमेंट है ना, आपके कितने लोग मैनेजमेंट में? अपने यहाँ पे 70 आदमी है प्लस कैप्टन है अपने, 10 कैप्टन है, 10 कैप्टन है, बाकी 70 वेटर ग्रुप में है जी सर। एक ही टीम है सर, अलग अलग रहे जी, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे फ्रूट सर्कल हो गया, ठीक है अपना, जैसे कि कॉकटेल हो गया और अपना स्नैक्स हो गया और अपने स्टॉल होगी, ठीक है एवरी पार्ट का सारे का हिस्सा अलग। एक बंदा का हाथ में थाली नहीं दिखी तो बाज के प्लेट 20 आऊंगी कब जैसी ले लो, क्योंकि पकड़ दो, क्योंकि ये मैनेजमेंट का हिस्सा है नहीं। वाकी टाकी से ये 10 आदमी ये जुड़े खड़े हैं, बाकी वो जो लागती हो सारे काले कपड़ा दिखे जितने सारे मैनेजमेंट का हिस्सा है जी जी सर, यानी आदमी सारे ज्यादा ये दिखा आप गया जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अच्छी बात है जी, शादी ब्याह के अंदर बंदा पैसा लगाता है तो उसका आदमी ये होता कार्ड तो माई हेल्प यू आ गया फिर लग जाता ना। मैनेजमेंट अपना बंदा पैसा लगाता है वो चाहता है कि मेरे को ऐसे आराम की काम मिले, यानी मेरे को बैठे हुए एक आवाज में वेटर आ जाए, एक आवाज में मैनेजमेंट आ जाए, एक आवाज में सारा चीज आ जाए। तो जब इस तरह की मिल जाती है मैनेजमेंट मिल जाती है तो मुझे लगता नहीं कि बंदे को आवाज मारने की जरूरत पड़ती होगी। इधर आ, ऐसा नहीं बोला ना, पहला छत्ती में खड़े पाव गला भाई बहुत के चीज है बताओ। ये बता ना क्या कहना है अपने? क्या जी नाम? क्या सचिन है जी। अपना भी सोन कुमार सर। अपना सर सोनू है। अपना मोनू सर। सारे सोनू मोनू इकट्ठे हो गए। संदीप, संदीप है इसके कहूं के है ये तो चांद हमारी बहने का। तो जो यहाँ से ये कौन सा हाल है? ये ओशियस रिजोर्ट। ओशियस रिजोर्ट है वैसे खाना देखो आदमी कुछ भी लगा सके है नहीं, कोई वो नहीं होता बंदे का लगाने को, लेकिन अगर बाई चांस अगर बास्त तमें इतना पैसा लगा के भी अगर फिक्का रह जाए तो उसका इशारा है सिर्फ एक मैनेजमेंट क्रोकरी वाला ही। और जब क्रोकरी वाला जब दिल लगा देना है तो जो ये चीज लगाओ तो ना लगाओ ऊपर की दिखाएगा नहीं, आ तो आदमी के नीचे नीचे
निगाहों ने अटल लग रही, ऊपर तो दब लगा हुआ, जब नीचे की हवा अटेगी, पत्ती डाल के सब्जी है, मेरा किक्के डाल के मिठाई लग रही है, लट काट रखा है मंदिर है। यहाँ पे जी बाबा विराजमान कर दिए लगातार फूट कट रसन है, और ये टीम काकी है, ये पानीपत की है। नमस्कार, आप कहाँ से? मैं सर पानीपत से। अच्छा पानीपत से है, तो आपकी फर्म का नाम? बडेरा फ्रूट पानी, बडेरा फ्रूट पानीपत। पानीपत जी। तो कितने प्रकार के फ्रूट हैं आज, क्या क्या आइटम है आज? सर वाटरमेलन। अच्छा आम आ गए जी? आम है, आम केरल। अच्छा नू है, आम भी ओरिजिनल है, कदन नू कोनी कई लगाते हैं ना, चार वैरायटी आम की मिलेगी, चार वैरायटी आम आम आ गया की हम खड़े टोक ले अभी। आम ये आम केरल का है सर। अच्छा केरल से आम आया है सर जी, ऐसे घूम जाएं बिल्कुल। बाहर के फ्रूट कौन से आए हुए हैं पहले वो बताएं? शरदा ईरानी। अच्छा इसका क्या? शरदा है, शरदा ईरानी है। कहाँ का ये? ईरानी। अच्छा ईरान का जी, ईरान का। ये लीची होगी? नहीं, महामेश्वर। महामेश्वर। और ये पैशन फ्रूट थाईलैंड। अच्छा जो लिक्विड में है? हाँ कोई नहीं, शॉर्ट है, ट्राई लेके देखो। ले लूं? और बिल्कुल बिल्कुल ले। लगा दो ये बात भाई, मजा आ गया इसमें लगा। तो फ्रूट वाले बोले भाई दो मिनट रुक जाओ, तसली से काम दिखावांगे, क्योंकि विदेश का फ्रूट आ रहा है। नहीं एक बार उसे लगने दो फिर। हाँ, उसके बाद। अच्छा जी अब ये मिल गए मेरे को वेंकटाल वाले, अब मैं इनसे एक सार्थक सवाल करता हूँ। सर वेंकटाल तो देखो हर कोई चलता बना के, और उसको रूप देने वाले लोग होते हैं, चाहे वेटर ग्रुप में हो, चाहे वो किसी और प्रकार के, चाहे कैटरिंग हो, चाहे टेंट वाला, चाहे पेंट वाला हो, लेकिन आज जिस प्रकार की आज डेकोरेशन दिख रही है आपको वेंकटाल के अंदर, तो लगता है कि चार चांद लग जाते हैं वेंकटाल जैसे के अंदर। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? नहीं हमारे जो ये भिवानी से आते हैं कैटरिंग वाले, बहुत अच्छा इनका है सेटअप, बहुत ही बढ़िया, और अक्सर परमानेंट हमारे पास आते ही रहते हैं, इससे जुड़े हुए हैं पूरा हमारे सिस्टम से। बहुत अच्छा काम है। भिवानी के दो बच्चे इतना धमाल करेंगे? बहुत बिल्कुल, 100% ऐसा मेरे ख्याल से कहीं आस पास है ही नहीं। उधर जयपुर चले जाओ, उधर दिल्ली चले जाओ, ऐसा सेटअप आते हैं। इनके पास बहुत चीजें हैं इस टाइप की, पित्तल के बर्तन ले आए सर। बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक वाला कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं, वो नहीं रखा। दूसरा ये है कि इनका जितना भी काम है, जो भी जब भी आते हैं लोग तारीफ ही करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, काफी शादियों में यहाँ आ चुके हैं बच्चे, तारीफ के लायक है। बिल्कुल ये रियलिटी, क्योंकि आज मैं इनके 5 से 7 ऐड कर रहा हूँ, और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ वहाँ मुझे पार्टी से भी बात करने का मौका मिला, वहाँ वहाँ मैं वेंकटाल के मालिकों से बात करने का मौका मिला, और वहाँ वहाँ मैंने इनका व्यक्ति तो देखा है। यानी इन बच्चों के अंदर एक खास बात है, ये काम के प्रति समझौता नहीं करते, ये अच्छी बात है। टीम वर्क बहुत अच्छा है, टीम वर्क अच्छा है इनका, टीम वर्क बहुत अच्छा है, वेटर्स बहुत अच्छे हैं, सारे हैं, कुकिंग का बहुत अच्छा है। यानी लगातार को काम देखिए, ताकि मन में संतुष्टि आ जाती है कि हाँ हमारे अद्दा मारा बहुत तार दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो सर आपको सुबह नाम सर? धर्मेंद्र नेहरा। धर्मेंद्र नेहरा जी सर नमस्ते, हमारे पत्रकार साथी हैं सर, क्या कहेंगे? नहीं बहुत अच्छा काम है इनका, मेहनत सबसे बढ़िया, तजुर्बा काम, मेहनत काम, जो खुद मेहनत करते हैं ना ये। हाँ वो मैनेजमेंट छोड़ देते हैं, वो नहीं पल पत्ते। अब जिस प्रकार के 3 दिन से बच्चा मेहनत कर रहा है, तो अब इनकी मेहनत भी दिखेगी, खुद मेहनत कर रहा है, ये अच्छी बात है सर। सबसे बढ़िया चीज ये है कि खुद मेहनत कर, खुद मेहनत करने, देखो जी मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है सर, है नहीं? और धरातल में जो मेहनत करते हैं वो इस प्रकार का मुकाम हासिल कर लेते हैं, चाहे वो पिलानी के रूप की बात हो, चाहे वो जयपुर के रूप की बात हो, चाहे वो दिल्ली के रूप की बात हो। यानी यह है कि आज दिल्ली, गुड़गांव, बुर्गियाबाद सारा सौदा अगर जाएगा तो पीयूष सिंगल के हाथ से नीचे जाएगा, क्योंकि दिल्ली के वेटर आ रहे हैं, अच्छा जी दिल्ली के कारीगर आ रहे हैं, कहीं 25 प्रकार की मिठाई दिल्ली लेके आए हैं। इस दिन ये वेटरों पे छोड़ देंगे ना, उस दिन से डाउन आना शुरू, डाउन है, लेकिन अब सर ये छोड़ लगो नहीं, जब तक खुद देखेंगे ना, ये तो गंफी भर रखा है, गंफी भर रखा है, ये अच्छी बात आपके लिए, गंफी छोड़ियो ना। नहीं जी सर ने कह दिया कि गंफी भर रखोगे। अच्छा एक ये हिस्सा है कि वह हम एक ये है, यानी तिकड़ी की टीम है यार, यानी यार देख लो छो वन खाओ है पीओ है, कोई भी काम हो टीम वर्क के बिना तो ऊपर जाता ही नहीं है, टीम वर्क आगे बढ़ना तो टीम वर्क तो रहना पड़ेगा जरूरी है। उसमें है कि जो मेन आदमी है ना वो जब तक हर चीज अपनी नजर में रखेगा आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ये मैनेजमेंट की शुरुआत है सर, और ये अच्छी बात है। हो गया सर आपका? तो अभी भी रेडी को नहीं आया है, तो उससे पहले लड़की के पिताजी आ गए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपको हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं बेटी की शादी के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या कहेंगे सर, एक पिता के ऊपर से कितना बोझ बनता है बेटी की शादी तक, और बाद में कितने फर्क हो जाते हैं? नहीं बोझ तो बेटी का बोझ तो नहीं है कोई भी, शादी के प्रोग्राम का सर, फंक्शन का, फंक्शन फंक्शन तो अच्छा फंक्शन है और अच्छी वेल मैनेज किया हुआ है अभी तक मैंने देखा सर। कहते हैं कि हाँ
वेल मैनेज किया हो, और जो आइटम है खाने के जो है वो भी बड़े टेस्टी हैं। सर आपने तो आइटम इतने बढ़वाए कि बंदा नाम भी नहीं लेते हो चिंता कर। आपने तो किया है कहाँ से? थाईलैंड से आम आया है सर आपने पार्टी में? तो हाँ वो देख रहा हूँ कि नई वैरायटी मेरे को दिख रही है इसमें, जो शायद काफी लोगों ने नहीं देखी होगी। और थाईलैंड के आम ही नहीं, बाकी और भी कुछ चीज में कोई वैरायटी ऐसी दिख रही है जो लोगों ने नहीं देखी होगी। ये है पाइनएप्पल आपका, ये भी बाहर का आया हुआ सर, ये आपके बीज वाले पापड़ है, ये भी बाहर का है सर। सर ये शादी वादी में कहीं आप देख के आए थे या वैसे आपने दिमाग बता ये काम करवाना? नहीं, मैं ऑलरेडी पहले इस चीज को देख चुका हूँ। अच्छा, मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ चंडीगढ़ में जनरली लोग इस तरह का करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छी रिच शादी करते हैं तो वो लोग जो है फ्रूट्स कैटर, फ्रूट्स का बड़ा अच्छा स्टॉल। सर आपने कमाल कर दिया, 25 प्रकार की तो मिठाई आपके पास, यानी बंदा एक बार ऐसे घूम जाए ना तो घूमता घूमता अगर वो खा ले सारी मिठाइयां तो 25 प्रकार पेट भर जाएगा बंदे का। और सबसे बड़ी बात सर आपके मैनेजमेंट ने क्लर्क दादा ने क्या क्या हुआ कि उन मिठाइयों को देखते हुए जो नहीं होते शुगर के पेशेंट होते हैं आजकल मिठाई से परहेज करते हैं, वो चिंता वाली बात नहीं है कि शुगर फ्री वाली बात हो जाती है आपकी मिठाइयों में, ये भी बात अच्छी लगी सर। हाँ स्वीट कम ही डाला है ना जी। हाँ शुगर फ्री के लिए मैंने सर ये बात पूछ ली पहले। आजकल क्या है कि स्वीट को लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए कि भाई स्वीट ज्यादा होता है इस कारण से उसको खाते नहीं है। तो अब ये नया कंसेप्ट है कि हाँ कम स्वीट्स वाला वो इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। यानी सर क्या कहते हैं बेटी के पिता के लिए चिंता तो होती है शादी तक कि सारे काम बने, तो इस सामने सब काम अच्छे बीत जाए, और अगर इस तरह के बंदे मिल जाते हैं, इस तरह बंदे मैनेजमेंट मिल जाती है तो बेटी के पिता को चिंता नहीं होती, फिर वो सूट बूट में घूमते हैं और सभी काम कर पाते हैं फारिग होके कि हाँ अब इनके कंधों बार है मैं फ्री हूँ, तो अब ये फ्री होकर कुछ भी कर सकते हैं। वही मैं जो है उसको वॉच कर रहा था कि कहाँ कोई ऐसी कोई कमी तो नहीं है या कुछ तो नहीं है, वो सारा आपको अच्छा लग रहा है। देखो जी चंडीगढ़ से सर है और पिलानी प्रोग्राम है, भिवानी से ये है, तो अब इनका डंका पिलानी बज रहा है और इनका डंका चंडीगढ़ बज रहा है, ये अच्छी बात है आपके शहर के युवाओं के लिए। आगे भी शायद चंडीगढ़ बजेगा, फिर आगे चंडीगढ़ बजेगा सर, डेफिनेटली चंडीगढ़ जाना तैयारी कर लो। मैं भी आऊंगा जी, बिल्कुल आप भी आओगे। चलो थैंक यू सर, पक्का चंडीगढ़ मिलते हैं सर। श्योर श्योर चलो ले जी। थाईलैंड का आम, आम थाईलैंड, थाईलैंड का भाई मतलब वो आम दिखा दे मेरे मेरे वीरा, कैरी मैंगो भाई, कैरी मैंगो थाईलैंड, खुशबू लगा हुआ सर जी बिल्कुल। नहीं सर थाईलैंड का सिस्टम अलग ही होता है ना। हाँ थाईलैंड की चाहे वो मसाज मसूद हुआ भी अलग हुआ है, मसाज फ्रूट हुआ भी अलग हुआ है, मैनेजमेंट हुआ भी अलग हुआ है। उधर थाईलैंड में फ्रूट इसी तरीके से खिलाते हैं, लाइव में देते हैं। अच्छा लाइव, ये जो लड़का खड़ा होगा वो लाइव में काटेगा, लाइन में काटेगा लाइव लाइव। ये क्या सर? ये पाइनएप्पल है, थाईलैंड पाइनएप्पल है ये आपका, थाईलैंड मसाला भी थाईलैंड का है। अच्छा मसाला भी थाईलैंड का है जी। हेलो हेलो, इसके अंदर मजा कैरी का भी है, इसके अंदर मजा आम का भी है, और मसाले का भी टेस्ट एक अलग आला सर, अलग आया मसाला थाईलैंड का। सर और क्या वैरायटी आपका? पपाया थाईलैंड, ये थाईलैंड से है जी। अच्छा सर ये मार्शमेलन, ये भी थाईलैंड है, थाईलैंड सर जी। सर आगे बोलो, वो ड्रैगन थाईलैंड। अच्छा ड्रैगन जी। सर ये लीची कनाडा, कनाडा की लीची है, एक पके खाऊंगा। हेलो लीची कनाडा जी, कनाडा गए को नहीं, लीची खास कहा कावा थाईलैंड। अच्छा लड़का सर बाहर से कितना फ्रूट आया हुआ है? करीब है 20-22 आइटम, 20-22 आइटम पूरी है, और 16 प्रकार का फ्रूट बाहर से आया हुआ जी, विदेशी फ्रूट जी जी जी, कुछ देसी भी आइटम है, वाटरमेलन हो गया, बेंगलोर ये चीज है। यानी वो ही बात है मिठाई वाली, 25 प्रकार की मिठाइयां हैं, 25 प्रकार का फ्रूट है, लगातार कटरी सर, खजूर, अरे खजूर भी आया सर, दुबई से। अच्छा जी, इसी तो पेट का उतरा होने लगता जी जी, इसका सुनी दिया कीमिया ये मुझे बताओ है बच्चों, अपन पीयूष अपने इस खजूर में उसमें दिन रात का फर्क, दिन रात का फर्क मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। इंडिया की है, हम इंडिया के खा ले सर, क्या रखा है? न्यूजीलैंड।
अच्छा न्यूजीलैंड के। अच्छा यू आम यो आप बाहर से आप? जी जी। अच्छा अच्छा चलो जी आ जाए। केरल का है सर मैं। अगर ये केरल का है चलिए वाला सर मैंगो। ये मैंगो ही है ये खा सकता मैं? ये केरल का जी। वैसे बात है आपके आम में इतनी मिठास है जो अपने आम नहीं आते अपने यूपी का आम आता है वो आ जाता है वो मिठास इन आमों का क्वालिटी है बिल्कुल उससे हटता है सर। इस हर मौसम में हमारे पास हर चीज अवेलेबल होती है। अवेलेबल होती है बारह मास। अच्छा वक्त में सारे काकली मेरी लगी आया स्ट्रॉबेरी ना स्ट्रॉबेरी ये कहाँ से है? ये महामहेश्वर तो जी अब अच्छा ये पाइनएप्पल अच्छा और पाइनएप्पल ये क्या काम है सर? इस पे शकरगंजी है इस पे फ्राई करके मसाला अच्छा, लगा के सॉस लगाने के साथ। अच्छा जब शेयर किए जी सब शेयर देखो जी बंदा लगाने को तो कुछ भी लगा ले लेकिन ये है कि अगर एक फंक्शन के अंदर इतने प्रोग्राम हो और इतने वैरायटी हो तो बंदे का देख देख के घूम घूम के पेट भर सकता है। ये पूरा दिखा दो मैनेजमेंट आपको जितने आप दादा हो सारी स्टाले एक से बढ़कर एक आइटमों से भरी हुई देखी जा सकती है चाहे विदेशी फ्रूट की बात हो चाहे विदेशी मिठाई की बात हो चाहे सब्जी की बार की बात हो चाहे आपकी कैटरिंग के अंदर वो पित्तल के बर्तन है उसकी एक अलग झलकी देखी जा सकता है लगातार फूड कैटरर्स के ऊपर क्योंकि अलग प्रकार काम अगर हो तो लग दत्तर के पास आप एक बार जरूर आए बाकी आपको हर काम का एक संतुष्टि भरा काम भी मिलेगा संतुष्टि भरा आपको जवाब भी मिलेगा लग दत्तर कैटरर्स की तरफ से। तो जे एन सी नो से अजय नायक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट पिलानी से।